सारे क्लासेस को शील कर दिए। आप सबको पता होगा बहुत सारी फैकल्टीज़ की क्लासेस बंद हो गई। फिर एक नया अरेंजमेंट शुरू किया हम लोगों ने कि जिनके पास एनओसी है क्लासेस वहाँ की जाए, जैसे यहाँ के लिए एनओसी है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है। जैसे रियलिटी आपसे बोलूँ तो अलाउ केवल 30 स्टूडेंट्स हैं, अभी जाँच हो जाए तो 30 से तो ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन ठीक है, कुल मिला करके ये कि कम से कम व्यवस्था चल सकती है। एक और अच्छी बात है कि मुझे अपने मेन बिल्डिंग की एनओसी मिल गई है, लगभग उम्मीद है कि परमिशन मिल जाएगी दीपावली के बाद उसमें क्लास चलाने की। तब तक के लिए अब आपकी क्लासेस यहीं से रन करेंगी, आप लोग डेली 2:30 बजे वाले बैच में यहीं क्लासेस करेंगे। सुबह मैं ज्योग्राफी की भी क्लास ले रहा हूँ, जिन बच्चे की क्लासेस ज्योग्राफी नहीं हुई थी या जो ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड है वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि उसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और मेरे ख्याल से लगभग मैंने 10-12 लेक्चर पढ़ा दिए। नहीं भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसी बैच में कंटिन्यू करें, इसमें रोटेशन वाइज सारे सब्जेक्ट आते जाएंगे, आपको क्लासेस का सिस्टम बताया गया होगा। वैसे इस बैच में मैं आज मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। नए बच्चों को एक बात बता दूँ कि उनके मन में ये दुविधा हो सकती है कि सर मध्यकाल से ही क्यों, मैं इतिहास का कोई भी सेगमेंट शुरू करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से भी शुरू करता हूँ, आपको उस जगह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि मैं इंटरलिंक करके ही पढ़ाता हूँ। इतिहास या हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसके 3 सेगमेंट हैं, आप सब जानते होंगे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो इस बैच में फिलहाल मैं मेडिवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत पाठ्यक्रम को लेकर बातें हो जाएं, आपके एग्ज़ाम को लेकर पहले कुछ बात कर लूं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल की परीक्षा इस बार दी थी, सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था? देखिए सीजीएल के एग्ज़ाम में जो बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं उनको तो अंदाज़ा है ही, जो नहीं हो रहे वो भी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे। तो आप पिछले लगभग 2 बार के एग्ज़ाम से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपका जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा, अब आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड हो गया है, मतलब उसमें क्वेश्चंस पूछने की जो डेप्थ है वो बदल गई। आज के लगभग 4 साल पहले जो एसएससी सीजीएल का पेपर बनता था उसमें, मैं जीएस सेगमेंट की बात करूं, तब जीएस का इतना ज़्यादा रोल भी नहीं था। अभी तो आप जानते ही होंगे कि टीयर 1 एग्ज़ाम के अलावा टीयर 2 में भी जीएस का रोल आ गया, और इसीलिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट भी हो चुका। आप देखेंगे मेरिट इस बार जो गई लगभग 150 के आसपास स्कोर गया, उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स में 46-47 मार्क्स हैं, रीजनिंग में 48 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट पर बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। अब किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो करके आप रिजल्ट नहीं ला पाए, कोई भी एक सब्जेक्ट खराब हो गया तो आपको दिक्कत करेगा। क्योंकि आप सोचिए कि मैथ्स में हो सकता है कि आप आगे भी एग्ज़ाम दें 45 स्कोर कर जाए टीयर 1 में, रीजनिंग में भी 45 कर गए तो आपका 90 हो गया। चलिए मान लेते हैं कि आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई, 40 नंबर वहाँ आ गए, तो भी आपका कितना स्कोर बना, 130 नंबर आ गए। अब जब 150 का कट ऑफ ही जा रहा है तो आप तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करने के बाद भी एक सब्जेक्ट की बदौलत बाहर हो जाए। यानी एक चीज़ तो माइंड में बहुत क्लियर रखिए कि आपको चारों विषयों में एवरेज स्कोरर से अच्छा बनना ही पड़ेगा। एवरेज स्कोर का मतलब ये है कि आप कम से कम 30 सभी में स्कोर करें, और 30 स्कोर करने का मतलब यही हुआ कि आप 25 में से कम 15 सवाल सही करें। जब तक 15 सही करने की स्थिति में नहीं है तब तक आप एवरेज स्कोरर नहीं है। और 15 सही करना मैथ्स में आपको शायद अब टफ ना लगे, रीजनिंग में टफ ना लगे, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत का जो क्षेत्र है वो है जीएस। जीएस में अभी सुनने में आया कि बहुत सारे बच्चे यूपी में एग्ज़ाम देने गए थे पीईटी, कह रहे बताइए सर, पूछ रहे हैं कि धोती पहनना गांधी जी ने कब शुरू किया। अब ये भी सवाल पूछा जाएगा इतिहास, लंगोटी लिखा हुआ था, चलिए मैंने तो सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया। तो दरअसल देखिए आप कई बार क्या होता ना कि इस तरह के प्रश्नों से घबराते हैं कि सर कितना डेप्थ में पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए कि हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाए। मैंने हालांकि वो प्रश्न देखा, वो प्रश्न इतना सरल और सहज था, बस आपको उसमें थोड़ा सा अप्लाई करना था कॉमन सेंस। जीएस में आज ही मैं स्पष्ट आपको बता दूं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 100% तैयार करके एग्जाम में जा पाएंगे। जीएस एक ऐसा अपने आप में सब्जेक्ट है जो 100% हो ही नहीं सकता,
खासकर जब से आपके पेपर में 6-7 सवाल स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। स्टैटिक जीके भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन गया और इतना डाइवर्सिफाइड है कि आप उसमें कितना तैयार करेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना बेसिक पार्ट है वो बहुत अच्छा कर लिया जाए, चाहे हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, सारे विषय का अगर बेसिक आपका बहुत अच्छा हो गया तो यकीनन आप मानिए कि आप बड़े आराम से जीएस में 16-17 सही कर सकते हैं। और कोई भी पेपर सेट आप उठा लीजिए, आप देखिएगा कि आपके पेपर में लगभग 16-17 सवाल ऐसे आ रहे 25 में से जिसको तैयार करके सही किया जा सकता। दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारे पढ़ने का अप्रोच पहले जैसा है, वन लाइनर हम पढ़ते हैं कोई भी विषय, और इसीलिए हम जीएस में अच्छा नहीं कर पा रहे। जीएस अब वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जीएस में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा और पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने पाठ्यक्रम पर काम नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उन्हें अपना पाठ्यक्रम बहुत स्पष्ट पता नहीं होता। जैसे मैं आपकी पूरी क्लास में से किसी भी बच्चे से ये कहूं कि एक चैलेंज है आपके लिए कि आप खड़े हो जाइए और पूरे मेडिवल हिस्ट्री जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका पाठ्यक्रम बताइए कि मुझे क्या क्या पढ़ाना चाहिए, तो शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो हैंड रेज करेगा और कहेगा सर मैं पाठ्यक्रम बताता हूं। ठीक है, तो आप जब पाठ्यक्रम जब तक नहीं जानेंगे तब तक तैयारी कैसे सही कर पाएंगे। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना क्या। जैसे मैं आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अगर शुरुआत कर रहा हूँ तो पहले यही बताने की कोशिश करूँगा कि इतिहास में मध्यकाल किसे कहा गया, मिडिल एज का मतलब क्या, और ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक का ये पूरा पाठ्यक्रम है। तो जब हम मिडिल हिस्ट्री की बात करते हैं देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि भारत का जो पूरा इतिहास है उसके तीन कालखंड है, थ्री टाइम पीरियड है, एक है एंशेंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आप सबसे ये है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, अरबों का आक्रमण और कुछ, सातवीं सदी, क्यों सातवीं सदी, अगर हम सातवीं सदी को माने तो क्यों सातवीं सदी। देखिए, पूरा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तीन हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है, इसका जो पहला पार्ट शुरू होता है इसको कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। यानी प्री मेडिवल एज। इसका एक हिस्सा कहलाता है प्री मेडिवल एज यानी पूर्व मध्यकाल। फिर जब दूसरे पार्ट पर आप पहुंचेंगे तो इसे कहा जाता है सल्तनत काल। सल्तनत एज। और जो इसका तीसरा हिस्सा इसको कहते हैं मुगल काल। मुगल एज। तो आपके इस पूरे सेगमेंट का यही तीन हिस्सा है जिसे आपको पढ़ना, इसी में आपका पूरा पाठ्यक्रम समाया हुआ। अब दरअसल इतिहास में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा होता है कि आखिर ये काल विभाजन कैसे किया जाए, यानी ये टाइम पीरियड कैसे डिसाइड किया जाए कि एंशियंट कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। तो अभी हम लोग चूंकि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो मैं उसी पर बात करूंगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं, वो ये कहते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है हर्षवर्धन की डेथ से। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में जो अंतिम हिंदू शासक माना गया, महान हिंदू शासक, वो था हर्षवर्धन, कन्नौज का राजा। और हर्षवर्धन की डेथ होती है 647 AD, 647 ईस्वी। तो अगर डेट के हिसाब से चला जाए, ईयर के हिसाब से चला जाए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग
700 एडी तक आते आते मध्यकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये कोई कंक्रीट नहीं है कि इस तारीख को एंशियंट खत्म होता और इस तारीख से यहाँ पर मिडवेल स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा एक फेज है, पूरा एक चरण है। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कई लंबे वर्षों में घटित होती हैं। तो प्राचीन से मध्यकाल में पहुंचने का एक पूरा दौर रहा जो लगभग 100 साल का रहा। हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत में राजनैतिक रूप से कुछ चीज़ें बदल रही थी और इतना तेजी से बदलाव हुआ कि 100 साल में भारत की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो गई और इसी कारण से इसे एक नए समय के रूप में देखा गया और इसे कहा गया पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है लगभग 700 ईस्वी के आसपास 700 एडी से, और आप देखेंगे 700 एडी से लेकर के 1200 एडी तक लगभग 500 साल का ये इतिहास है जिसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी जाती, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के और लगभग 1200 ईस्वी तक जो भारत का इतिहास रहा है इसको प्री मेडिवल एज के नाम से जाना गया। पूर्व मध्यकाल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में इस दौर में राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो था इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होना, यानी भारत का राजनीतिक विखंडन होना। देखिए इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो प्राचीन इतिहास है उसमें भारत की राजनीति का, खासकर नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था मगध, या मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। यानी अगर कोई पाटलिपुत्र का राजा है तो वो लगभग पूरे उत्तर भारत का राजा माना जाता था। तो मगध की हैसियत उस समय बहुत बड़ी थी, मगध अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम था और मगध की गद्दी पर बैठने वाला जो व्यक्ति होता था वो पूरे भारत में शासक के तौर पर देखा जाता। और ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप मगध साम्राज्य में सबसे पहला नाम पढ़ते हैं बिम्बिसार का, यानी बिम्बिसार से लेकर के और गुप्तों के समय तक, चाहे वो समुद्रगुप्त रहे हो चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहे हो, आप देखेंगे मगध की ग्लोरी कुछ ऐसी रही कि पूरे राजनीति में मगध ही छाया रहा और इसीलिए पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द घूमता। लेकिन गुप्तों के पतन के बाद मगध का महत्व भी धीरे धीरे घटने लगा और मगध की जगह ले ली कन्नौज ने। अब उत्तर भारत की राजनीति का गढ़ बन चुका था कन्नौज, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पाटलिपुत्र आप सब जानते होंगे बिहार की राजधानी पटना है, तो जो पटना आज का है ये पाटलिपुत्रा था। पूरी एंशियंट हिस्ट्री उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं और पूर्व मध्यकाल में आते हैं तो राजनीति का केंद्र बन जाता है कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास कन्नौज एक जगह थी और कन्नौज राजनीतिक केंद्र बन रहा था और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कई राजवंशीय सत्ता उदित हुई, यानी कई डायनेस्टीज राइज करती हैं इंडिया में। अब इंडियन हिस्ट्री में एक नया एलिमेंट क्या आता है कि बहुत छोटे छोटे राजवंशों का राज्य बनता चला जाता है। यानी एक समय मगध का मतलब था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसकी सीमाएं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था उसमें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों शामिल था। लेकिन अब आप पाएंगे पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों राज्य पैदा हो गए, राज्य के अंदर राज्य पैदा होते चले गए। और इसी कारण से ये इतिहास में एक नई टेंडेंसी थी जहां पर भारत में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और कई छोटे छोटे राज्य पैदा होते हैं और इन पर शासन करने वाली जातियों को एक नाम दिया गया जिनको कहा गया राजपूत। यानी ये पूरा इतिहास राजपूत इतिहास भी कहलाता है क्योंकि कई राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ने वाले। तो इसके अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के मरने के बाद वो कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने कन्नौज की सत्ता पाने की लड़ाई लड़ी, जिसमें तीन बड़े नाम सामने आते हैं। एक का नाम था गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने पश्चिमी भारत में अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। इसी तरीके से बंगाल और बिहार में एक सत्ता थी जिनको पाल कहा गया, पालों ने अपनी सत्ता बनाई। और ऐसे ही दक्षिण भारत में दक्कन के इलाके में जो महाराष्ट्र का राज्य क्षेत्र था वहाँ राष्ट्रकूट नाम की एक शक्तियाँ आई। ये तीनों ही कन्नौज पाने के लिए आपस में लड़ती हैं और इनकी लड़ाई लगभग 200 साल तक चली। इसी को भारत के इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राई पार्टी बैटल कहा गया। तो ये जो ट्राई पार्टी बैटल हुआ राजपूत शक्तियों के बीच की जो लड़ाई थी कन्नौज पाने की, वो इनको इतना नुकसान कर रही थी कि आपस में कभी यूनाइट नहीं हो पाए, आपस में लड़ते रहे।
अच्छा, जिस समय भारत की राजनीति में ये चीजें हो रही थी, उसी समय भारत के पड़ोस में अगर देखा जाए, अरब के इलाकों में, मैंने पड़ोस इसलिए कहा क्योंकि आज वो अरब पाकिस्तान का पड़ोस हो गया, लेकिन जिस समय का इतिहास आप पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र था, ईरान, इराक, ये सब पूरा अरब का क्षेत्र, वहाँ एक नए धर्म का उदय हुआ था, इस्लाम। यानी इसी पूर्व मध्य काल में आप देखेंगे अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। वो दुनिया की राजनीति है, भारत की राजनीति नहीं। भारत में इस्लाम का जन्म नहीं हुआ, इस्लाम का जन्म मैंने बताया कहाँ हुआ, अरब में। लेकिन हाँ, तो ये वो समय है जब इस्लाम स्प्रेड हो रहा था, इस्लाम एक ताकत बन रहा था। 570 तो आप सीधे मोहम्मद साहब पर आ गए, तो इस्लाम अपने आप में एक बड़ी ताकत बनता चला गया और अरब दुनिया में एक ताकत के रूप में पैदा हुआ। और अब अरबों ने दुनिया में अपना राज्य बनाने की कोशिश शुरू कर दी। तो जिस समय भारतीय राजनीति में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, रीजनल स्टेट्स आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उसी दौर में अरब में एक नई शक्ति का उदय हुआ, इस्लामिक सत्ता आई और अरबों ने दुनिया पर आक्रमण करना शुरू किया और इसी के परिणाम स्वरूप भारत पर भी मुस्लिम आक्रमण की कहानी शुरू होती। अरबों का आक्रमण शुरू होता है, हालांकि अरबों के आक्रमण का भारत की राजनीति पर कोई बहुत स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि बहुत पार्शियल इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो केवल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक आए, कुछ इलाके को उन्होंने जीता और फिर वो भारत से वापस चले गए। उनका भारत के भूभाग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अरबों ने जो काम शुरू किया उस काम को आगे किसने बढ़ाया, तुर्कों ने। फिर भारत पर अगला आक्रमण हुआ तुर्कों का, और तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है अफगानिस्तान के इलाके से। उस समय अफगानिस्तान में एक साम्राज्य पैदा हुआ, एक एम्पायर बना, उसका नाम था गजनी एम्पायर। और गजनी का जब सुल्तान बना महमूद गजनवी, तो उसने भारत पर कई बार विजय अभियान शुरू किए। तुर्की आक्रमण के दो चरण रहे, पहला महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और दूसरा मोहम्मद गौरी का। लेकिन मोहम्मद गौरी के आक्रमण का भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब तुर्कों ने हिंदुस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर दी और 1206 में तुर्कों ने हिंदुस्तान को जीत लिया और यहाँ से भारत में सल्तनत काल की कहानी शुरू होती। तो यानी जो मध्यकाल का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं उसका पाठ्यक्रम इसी तरीके से डिसाइडेड है। तो पहले आप ये लिखेंगे कि आपका सिलेबस क्या, हेडिंग डालिएगा प्री मेडिवल एज। इसमें पहला टॉपिक लिखिएगा पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अर्ली मेडिवल नॉर्दर्न इंडिया, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत की, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक दशाएं, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक दशाएं। दूसरा टॉपिक लिखे अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश। तीसरा टॉपिक लिखिएगा ट्राई पार्टीज स्ट्रगल बिटवीन पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट
ट्राई पार्टीज स्ट्रगल बिटवीन बिटवीन पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट आर ए एस एच टी आर ए के यू टी ए राष्ट्रकूटा हिंदी में लिखिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष चौथा टॉपिक लिखिए मुस्लिम इन्वेशंस ऑन इंडिया और सामने डैश देकर लिखिएगा अरब एंड तुर्क्स इन्वेशंस भारत पर मुसलमानों का आक्रमण और सामने डैश देकर लिखे अरबों और तुर्कों का आक्रमण और लास्ट टॉपिक लिखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया भारत में तुर्क शासन की स्थापना तो देखिए पाठ्यक्रम हमेशा क्यों बहुत स्पष्ट किया जाता है हम क्लास की शुरुआत हमेशा सिलेबस से क्यों करते हैं जिससे आपको सबसे पहले ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी है कि वो हिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे ज्योग्राफी पूरी पढ़ लेंगे और फिर उनको अगर कोई नया प्रश्न दिखता है तो वो यही नहीं स्पष्ट कर पाते किस टॉपिक से पूछा गया जैसे CGL के ही पेपर में ये प्रश्न आया कि भारत में आने वाला सबसे पहला सूफी सिलसिला कौन सा था तो अब यहाँ पर बच्चों के मन में एक प्रश्न आया कि सर ये किस टॉपिक से पूछा गया मेडिवल का है कि एंशिएंट का है कि मॉडर्न का है अगर मेडिवल का भी है तो किस चैप्टर का है तो जब आप पाठ्यक्रम पर काम करते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बाउंड्री मिल जाती कि हमें इतना काम करना ये चीज़ें हमें पढ़नी अब उसको पढ़ते समय आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा बेसिक पार्ट बहुत अच्छा रहे जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे यही प्रश्न पूछा गया मान लीजिए कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना तुर्की शासन की स्थापना के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा बैटल था जिससे भारत में टर्किश रूल इस्टैब्लिश हुआ तो क्या आंसर होगा बैटल ऑफ तराइन तो तराइन की लड़ाई अब मान लीजिए तराइन की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रश्न बनना लाजमी है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई दूसरी कब हुई इवन दैट तराइन के मैदान में एक तीसरी भी लड़ाई लड़ी गई तो वो भी हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए तो जब आप पहले कंटेंट डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है तभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते तो फिलहाल प्री मेडिवल एज में ये हमारे 5 चैप्टर हैं जो हम लोग एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे आपको कभी ये टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना ज़्यादा हो जाता है सिलेबस जब हम टॉपिक लिखते हैं बल्कि आपको उसी को तो कंसाइज करना उसी को कॉम्पैक्ट करना ही आपके सामने चैलेंज होता है तो यही मेरी कोशिश होती है कि आपको इस वे में पढ़ाया जाए कि आपका सिलेबस भी कॉम्पैक्ट रहे लेकिन वो कंप्लीट कवर भी हो तो ये आपके हो गए प्री मेडिवल एज के टॉपिक अब इसके बाद आता है भारत में सल्तनत एज का इतिहास ये आपका सेकंड पार्ट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के 3 हिस्से हो गए एक हो गया प्री मेडिवल एज दूसरा हो गया सल्तनत एज की जब हम बात करते हैं सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप याद कर लें कि सर सबसे पहले गुलाम वंश आया गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया फिर तुगलक आए फिर सैयद आए और फिर लोदी आए बस कहानी ख़त्म अक्सर होता यही है कि हम लोग इसी के इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन सल्तनत काल में 3 डायमेंशन है जो आपको तैयार करने जब आप यहाँ पर इन राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं तो केवल पॉलिटिकल डायमेंशन हुआ राजवंशों के बारे में आपने पढ़ा लेकिन आजकल SSC के पेपर में सल्तनत काल के प्रशासन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं
एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए सल्तनत काल में जो शाही सैन्य विभाग था, यानी जो रॉयल मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसको क्या कहा जाता था, तो क्या आंसर होगा? आप में से कोई आंसर देगा? या आपके लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है। सल्तनत काल में जो रॉयल मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जो शाही सैन्य विभाग था, उसको किस नाम से जाना जाता था? ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, जो 2023 सीजीएल के पेपर में आया। अच्छा, अगर ये पूछा जाता कि ये शाही सैन्य विभाग गठित किसने किया था, तो शायद आप आंसर दे पाते। ये तो पढ़ा ही होगा, किसने इसे कॉन्स्टिट्यूट किया था? कभी नहीं पढ़ा, बलबन ने किया था। लेकिन उसका नाम पूछा था सीजीएल के पेपर में, और उसका नाम था दीवाने अर्ज। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके पेपर में केवल पॉलिटिकल डायमेंशन से प्रश्न नहीं आ रहा, आपको उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी मालूम होना चाहिए, और इसके साथ साथ यहां पर जो उस समय का सोशल कल्चरल स्टेटस है वो भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि सल्तनत काल में ही आप पाएंगे एक महान घटना भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई, जिसको भक्ति और सूफी आंदोलन कहा गया, भक्ति मूवमेंट कहा गया, जो हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन हुआ, और सूफी मूवमेंट इस्लाम में एक उदारवादी विचारधारा थी, एक लिबरल आइडियोलॉजी थी। तो सूफिज्म क्या था, भक्ति मूवमेंट क्या था, कौन कौन से भक्ति आंदोलन के संत हुए, ये सब भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग टॉपिक लिखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना। हेडिंग दीजिएगा द सल्तनत एज, द सल्तनत एज, सल्तनत काल, द सल्तनत एज, सल्तनत काल। इसमें पहला टॉपिक लिखेगा डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ सल्तनत एज, डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ सल्तनत एज, सल्तनत काल का राजवंशीय इतिहास, सल्तनत काल का राजवंशीय इतिहास, सल्तनत काल का राजवंशीय इतिहास। दूसरा टॉपिक लिखिएगा प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ सल्तनत एज, प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ सल्तनत एज, सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश, सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश, सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश, प्रांतीय राजवंश। पेन चलवा दें, पेन चला दीजिएगा अमन। सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश। तीसरा लिखिएगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन। और चौथा टॉपिक लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा। फिर इसके बाद आप लोग ये जानते ही हैं कि 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के मैदान में एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। किससे लड़ी? इब्राहिम लोदी से। उस समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन था और सुल्तान था इब्राहिम लोदी। फाइनली 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, उसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय से भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होती, एक नए राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। तो बाबर से लेकर के जो नया राजवंश शुरू हुआ, उसी को इतिहास में मुगल वंश कहा गया। वैसे बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो थी मिर्जा, यानी वो तैमूर के खानदान से था। हम लोग जब बाबर पर डिस्कशन करेंगे तो पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि तैमूर समरकंद का, मध्य एशिया का एक महान तुर्क शासक हुआ, उसी के परिवार से था बाबर। लेकिन बाबर ने जो राजवंश स्थापित किया वो चगताई तुर्क कहलाया, और उसी को इतिहास में मुगल के नाम से जाना गया। तो जो मुगलों का पूरा इतिहास है वो दो शाखाओं में बटा है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1526 से लेकर 1707 तक जितने भी मुगल शासक हुए उनको द ग्रेट मुगल्स कहा गया,
और 1707 के बाद जो मुगल शासक हुए उनको लेटर मुगल्स कहा गया। तो मुगलों का इतिहास दो हिस्सों में बटा, लेटर मुगल्स और ग्रेट मुगल्स। तो यहाँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग ग्रेट मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं और मुगल काल के इतिहास से संदर्भ में, यानी इतिहास के संदर्भ में केवल राजवंशों के बारे में नहीं पूछा जाता बल्कि मुगल काल में भारत का सांस्कृतिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए कल्चरल डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और आजकल भी आपके पेपर में आप देखें डायनेस्टिक हिस्ट्री कम आ रही है, कल्चर पार्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सर आने वाले समय में मेडिवल हिस्ट्री अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें सामने आई थी कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है, स्कूल में बच्चों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसमें मध्यकाल के पाठ्यक्रम में खासकर मुगलकालीन इतिहास में एक संशोधन होगा, तो क्या अब हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। तो आपको बता दें कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में प्रश्नों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन चांसेस हैं और उसकी एक वजह बताई थी। कई बार आप इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि सर हमारे पेपर में जीएस से 25 प्रश्न आने हैं, उसमें भी इतिहास के 4-5 प्रश्न आने, उसके लिए इतना कौन पढ़ेगा, 2-4 पॉइंट पढ़ा दीजिए मेडिवल ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग। जबकि रियलिटी ये है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस वेरिएशन चांसेस ज़्यादा हैं। यूपीएससी में अगर जीएस का पेपर डिज़ाइन किया जाता है, 4 सेट पेपर बनते हैं तो सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए इतिहास के उसमें 20 प्रश्न आए तो सभी सेट में आप देखेंगे 20 के 20 वही प्रश्न हैं जो एक सेट में पूछा गया। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं, एसएससी की परीक्षा हर साल जब होती है तो लगभग 40 सेट पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, आप देख रहे हैं इस बार 39 हुआ था। अगर आप एक सेट पेपर में इतिहास के 4 प्रश्न देख लें तो इसका मतलब क्या हो गया, 150 से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसीलिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा कुछ सेट पेपर में सारे प्रश्न मेडिवल से ही पूछ लिए और किसी में सारे प्रश्न मॉडर्न के आ गए, तो अब किसी के शिफ्ट में मॉडर्न आया तो ये दावा करने लगता है कि सर सारे प्रश्न मॉडर्न के ही आते हैं, मॉडर्न ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। लेकिन ऐसा भी किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उसके शिफ्ट पेपर में सारे प्रश्न एंशियंट के आ गए या सारे प्रश्न मेडिवल के आ गए। इसलिए ये क्लेम करना कि केवल एक सेगमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल गलत होगा। आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम्प्लीट सिलेबस पढ़ कर ही जाइए, बस कोशिश ये करिए कि अपने सिलेबस को कॉम्पैक्ट करिए। कॉम्पैक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप टॉपिक छोड़ दें, टॉपिक सारे पढ़ें, उसको पढ़ने की जो डेप्थ है उसकी लिमिट आप जाने कि हाँ इतना हमारे काम का है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपसे पूछा गया मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या मनसबदारी सिस्टम में आप देखें जात और सवार दो चीज़ें होती थी, इतना भी आप जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मनसबदारी के बारे में और भी बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन नहीं पता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कम से कम हमें मालूम होना चाहिए। तो इसी अप्रोच के साथ आप अपने पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करेंगे। तो लास्ट पार्ट आते हैं मुगल एज में कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हेडिंग लिखिएगा द मुगल एज, मुगल काल, द मुगल एज, मुगल काल। तो पहला टॉपिक लिखिएगा डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, मुगलों का राजवंशीय इतिहास। डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, मुगलों का राजवंशीय इतिहास, मुगलों का राजवंशीय इतिहास। दूसरा लिखे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन। और तीसरा लिखिएगा कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल काल में सांस्कृतिक विकास, मुगल काल में सांस्कृतिक विकास। तो जब आप अपने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तब इसको कहा जाता है कंप्लीट तैयारी। तो जब भी बच्चों कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने से अपना एक मॉडिफाइड सिलेबस डिज़ाइन करें। ये हमें पता होना चाहिए पहले दिन जब भी कोई विषय पढ़ना शुरू करें कि हमें क्या पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई एक गाइड उठाई, कंप्लीट उसे पढ़ लिया और हमें यही नहीं पता चला कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है।
तो कम से कम आपने ये जाना कि हमारा पूरा मेडिवल हिस्ट्री का पाठ्यक्रम क्या है। तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले कहाँ से, प्री मेडिवल एज से। देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका है कि प्री मेडिवल एज में नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, यानी उत्तर भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। तो पहला हेडिंग वही लिखिएगा, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा। इसी के अंतर्गत आएगा ये राजपूतों का युग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इसी के अंतर्गत आएगा। देखिए तो जो ये लगभग 500 साल का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसके फीचर्स को हम देखें तो इसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पॉलिटिकली दो सबसे बड़े एलिमेंट दिखाई देंगे, एक था पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का राजनैतिक विकेंद्रीकरण, और दूसरा राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको पाठ्यक्रम समझाया तो ये कहा कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद इंडियन हिस्ट्री में जो एरा स्टार्ट होता है उसको एक नाम दिया गया है प्री मेडिवल एज। हर्षवर्धन के मरने के बाद ही इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहा गया, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे।
ठीक है जी, अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो हम ये पाएंगे कि इस जगह पर भारत का राजनीतिक केंद्र था जिसको कहा जाता था कन्नौज। और कन्नौज का शासक बना था हर्षवर्धन। AD से लेकर 647 AD तक। लेकिन जो हर्षवर्धन का समय था ये इतिहास का वो दौर था जब भारत व्यापार और वाणिज्य के मामले में, ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में पिछड़ रहा था। यानी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भारत में डिक्लाइन का फेज आया, आर्थिक तौर पर भारत पिछड़ रहा था इस दौर में। और उसकी शायद एक वजह यह भी थी कि कन्नौज की सत्ता पाने में हर्षवर्धन को भी कई शक्तियों से लड़ना पड़ा था। यानी गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद ही, गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद ही भारत का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। हर्षवर्धन ने कुछ हद तक उसे कंट्रोल किया क्योंकि इसने कई राजाओं को हराया और लगभग पूरा नॉर्दर्न इंडिया इसने अपने आप एक्वायर कर लिया। लेकिन इस दौर में हर्षवर्धन को जो कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, राजनीतिक तौर पर राज्य कमजोर हो गया। क्योंकि एक बात समझिए आप, देश कितना भी ताकतवर हो अगर बहुत लंबी लड़ाई में उलझ जाए तो उस देश पर सबसे बड़ा दबाव किस बात का आता है? वित्तीय दबाव, यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगती। और ये तब नहीं, इतिहास में नहीं, आज भी होता है। आप देखिए रिसेंट में रशिया और यूक्रेन का मामला, रूस पर कितना ज़्यादा वित्तीय दबाव बढ़ गया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब वित्तीय दबाव बढ़ने लगता है तो फिर राजा के लिए बड़े राज्य क्षेत्र को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ये वही बात है कि आपकी इनकम घट गई, अब हाथी पालना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा। तो हर्षवर्धन करे क्या, इतने बड़े राज्य का संचालन कैसे करे? तो हर्षवर्धन ने एक रास्ता निकाला। उसने क्या किया, कन्नौज में खुद बैठ करके अलग अलग क्षेत्रों में उसने प्रांतपति बनाने शुरू किए। यानी जहां जहां उसकी सत्ता थी वहां पर अलग अलग उसने गवर्नर अपॉइंट किए। अच्छा, गवर्नर पहले भी अपॉइंट होते थे, ऐसी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन नया क्या था जरा इसको आप समझिए, पहले केंद्र में बैठा हुआ राजा जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता था, प्रांतपतियों की नियुक्ति करता था, तो उन्हें सैलरी भी पे करता था और साथ में वो अकाउंटेबल होकर राजा के लिए काम करते थे। अगर वो सही काम ना करें तो गवर्नर को वो पोस्ट से हटा सकता था, डिसमिस कर सकता था, उनका ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन हर्षवर्धन के पास इस समय आर्थिक तौर पर ये क्षमता नहीं है कि वो सभी गवर्नर को सैलरी पे कर पाए। तो उसने क्या रास्ता निकाला, उसने कहा कि जिस एरिया का आपको गवर्नर बनाया गया, जहां का आपको प्रांतपति बनाया गया, वहां का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन आप करेंगे, राजस्व आपके पास आएगा और वो रेवेन्यू ही आपकी सैलरी होगी, वही आपका वेतन होगा। बदले में आपको क्या करना होगा, यहां पर लाइन ऑर्डर आपको ही संभालना। अच्छा, लाइन ऑर्डर संभालने के लिए राजा को हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है बताइए, सेना की, क्योंकि कोई गड़बड़ी करेगा तो सेना ही उसे दुरुस्त करेगी। तो जब यहां पर राजा खुद कह रहा है कि अब लाइन ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी, पहले केंद्रीय सेना हुआ करती थी, अगर यहां कुछ गड़बड़ हुआ तो गवर्नर बताएगा और सेना कूच करेगी, वहां पर हमला करेगी और जो विद्रोही है उसको मारेगी। लेकिन अब यहां राजा कह रहा है कि मेरी तरफ से सैन्य सहायता नहीं मिलेगी, आपको अपनी खुद मिलिट्री बनानी होगी, खुद लाइन ऑर्डर मेंटेन करना होगा, पूरा प्रशासन आपको देखना होगा और आप बस केवल मुझे अपना राजा मानते हुए मेरे सबॉर्डिनेट रहकर इंडिपेंडेंट रूल कर सकते हैं। इस तरह से हर्षवर्धन ने एक नई व्यवस्था शुरू कर दी। उसने राज्य के अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि अनुदान देना स्टार्ट किया। यानी अगर आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि किस शासक ने भारत में बीइंग अ सैलरी, वेतन के रूप में लैंड डोनेट करने का ट्रेडिशन स्टार्ट किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन ऐसा क्यों कर रहा है ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है। उसके ऊपर वित्तीय दबाव है, आर्थिक दबाव है, क्योंकि भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इतनी ज़्यादा बाहरी आक्रमण हुए हैं जिसके कारण राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ गई।
तो ऐसी स्थिति में उसने यहाँ पर ये फंडा अडॉप्ट किया कि आप अपना वेतन इसी राजस्व से लेंगे, अपनी सेना रखें। अच्छा, ये सारे गवर्नर इसके प्रति अकाउंटेबल होकर काम कर रहे हैं और इस तरह से प्रशासन चल रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि अगर ये केंद्र में बैठा हुआ राजा हर्षवर्धन की जगह कोई और आ जाए और वो कमजोर साबित हो जाए तो इसका नुकसान क्या हो जाएगा? देखिए, पहले क्या था कि पहले सबकी नियुक्ति राजा कर रहा है, सबको वेतन राजा दे रहा है, केंद्रीय सेना ही सब पर नियंत्रण रख रही, केंद्र में सबसे मजबूत सेना, सैन्य सहायता केंद्र से मिलती थी। अगर राजा केंद्र में गड़बड़ भी हो जाए तो गवर्नर के पास इतना बड़ा स्कोप नहीं होता था कि वो अपने आप को राजा बनाने की स्थिति में ले आए। यहाँ कमजोर राजा होते हुए भी वो कोशिश तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजा पर निर्भर था, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात आई तो कमजोर राजा से भी सैन्य मदद मांगनी होगी और फिर राजस्व वहां जमा कराना पड़ता था, बदले में वेतन मिलता था। तो राजस्व में गबन कर सकते हैं, घपलेबाजी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र को जमा तो कराना ही पड़ता था। अब तो नया नियम कि राजस्व आप अपने पास रखेंगे, रेवेन्यू आपका है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्मी आपकी है, पुलिस आपकी है, आप ही यहाँ के एक तरीके से होलसेल अथॉरिटी। तो जब तक हर्षवर्धन जैसा ताकतवर राजा केंद्र में कन्नौज में बैठा रहा तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, ये लोग उसके सबॉर्डिनेट बनकर काम करते रहे। लेकिन जैसे ही 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और उसके सक्सेसर कमजोर आए, इन सारे सबॉर्डिनेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, इन्हीं को कहा जाता था पहले सामंत, यानी इनको फ्यूडल कहा जाता था, और यही फ्यूडल यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। यानी अब हिंदुस्तान में आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजा पैदा हो गया। तो सामंत का मतलब यहाँ पर देखिए, सामंत क्यों इनको कहा जाता था, क्योंकि इन्हें भूमि अनुदान दिया गया, भूमि मालिक थे ये, लैंड होल्डरशिप इनके पास थी, यही यहाँ के जमीन के मालिक होते थे, तो ऐसे में इनको सामंत कहा जाता था। लेकिन अब ये सामंत अपने आप में कहीं ना कहीं एक शासक जैसे हो गए, एक राजा जैसे हो गए, जिनके पास अपनी सेना है। तो जब ये स्वतंत्र हो गया तो इसने भी स्वतंत्रता घोषणा कर दी, इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, सब इंडिपेंडेंट होते चले गए, और इसके परिणाम स्वरूप भारत राजनैतिक तौर पर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी विखंडित हो गया। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा था कि पूर्व मध्यकाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, कि इंडिया पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो गया, राजनीतिक तौर पर टूट गया। अच्छा, यहां से भी दिक्कत नहीं थी। अब दूसरी दिक्कत क्या शुरू हुई, ये सब स्वतंत्र तो हो गए लेकिन इन सबके मन में एक बात है कि भले ही मैं यहां का राजा बन गया, अब मुझे यहां से नहीं मतलब, यहां एक कमजोर राजा है और मैं अपने आप में खुद यहां का राजा हूं, लेकिन इनकी लालच यह कि काश ये गद्दी हमें मिल जाए। अच्छा, क्यों वो कन्नौज पाने की लालच रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी नजर में क्या, अगर मुझे कन्नौज भी मिल गया तो मैं यहां का तो राजा हूं ही हूं, कन्नौज में बैठने का मतलब ये हो गया कि बाकी सारे राजा मेरे अंडर हो जाएं, मैं अपने आप में सीनियर राजा हो जाऊंगा, बड़ा राजा। तो ये कुछ ऐसे ही समझिए कि बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हर कोई यही सोच रहा है काश दिल्ली वाली प्रधानमंत्री वाली कुर्सी मिल जाए। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलते ही कहीं ना कहीं उसके मन में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही, सारे मुख्यमंत्री मेरे अंडर हो जाए, ये उसकी एक महत्वाकांक्षा है, ये उनका एम्बिशन है। तो जब हर कोई कन्नौज पर कुर्सी पर निगाह लगाएगा तो स्वाभाविक है कि इन सब में आपस में क्या होगा, क्लैशेस स्टार्ट होंगे, यानी इनमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल शुरू होगा, लड़ाई शुरू होगी, और इसके परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति में आप देखेंगे इन क्षेत्रीय राज्यों में आपस में इतने क्लैशेस हुए, इतनी लड़ाइयाँ हुई कि पूरा 500 साल तक ये सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ एक दूसरे से लड़ती रही। इसका नुकसान क्या होता है कि यहाँ लड़ाई रशिया और यूक्रेन की नहीं है, यहाँ लड़ाई यूपी बिहार की ही शुरू हो गई, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बाहरी शक्ति से तो अभी कोई खतरा है ही नहीं, विदेशी आक्रमण तो अभी हो ही नहीं रहा, अभी भारत में आंतरिक लड़ाइयाँ चल रही, ये शक्तियाँ आपस में लड़ रही। अब जरा ऐसे दौर में आप सोचिए कि कोई विदेशी हमला भारत पर करना शुरू करेगा तो भारत की राजनीति का क्या हश्र होगा। तो भारत में जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं कि अरबों का आक्रमण हुआ, ये भारत पर कोई पहला विदेशी आक्रमण नहीं था,
भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास की है वो कम से कम बताएं, किसने भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण? डेरियस ने। तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण डेरियस ने किया था, और सोचिए डेरियस ने कब किया था, 516 बीसी में, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं थे, तब की कहानी है, जब मगध का राजा था बिंबिसार, ये उस दौर की कहानी है, तब डेरियस का आक्रमण हुआ था। लेकिन वो लोग भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक ही रह पाए। फिर डेरियस के बाद आप देखेंगे अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ। अलेक्जेंडर में भी, उसकी सेना में भी ये साहस नहीं था कि वो मगध तक आ पाए, क्योंकि घनानंद जैसी सत्ता मगध में बैठी हुई थी। और इसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर आया तो उसने उल्टा ही सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। यानी अगर हमारे सेंटर में कोई मजबूत ताकत बैठी है तो विदेशी खतरा कभी भी भारत को पराजित नहीं कर सकता, लेकिन अगर सेंटर ही कमजोर पड़ गया, आपस में ही लड़कर हम कमजोर पड़ गए, तो छोटी शक्तियां भी आक्रमण करेंगी तो हमारे लिए पराजय का खतरा बना रहेगा। और यही हुआ भारत की राजनीति में। तो ये जो दौर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैंने कहा कि यहाँ पर राजनीतिक विखंडन हुआ, इसके पीछे मुख्य कारण यही था कि कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता बची ही नहीं। हर्षवर्धन के मरने के बाद कई क्षेत्रीय शक्तियाँ आईं, एक से एक बड़े महासामंत आए, बड़े बड़े राजा बने, लेकिन वो सब आपस में लड़ करके एक दूसरे को कमजोर करते रहे, और इसका फायदा उठाया अरबों और तुर्कों ने। नहीं तो आप सोचिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और एक बार भी कोई रोकने के लिए उसके सामने खड़ा भी नहीं हुआ। तो ये भारत की राजनीतिक कमजोरी थी, और इसका लाभ उठाया विदेशियों ने, और अल्टीमेटली आगे चलकर भारत में तुर्कों की विजय हुई। आप सोचिए कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के मैदान में जब आक्रमण किया तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान उस समय अकेला था। अगर सारी राजपूत शक्तियां उसके साथ होती तो क्या गौरी दोबारा युद्ध के लिए हिम्मत भी जुटा पाता? नहीं। लेकिन उसे पता था कि पृथ्वीराज चौहान का तो खुद ही सबसे बड़ा शत्रु जयचंद बैठा हुआ, यानी आपस में ही सब लड़ रहे थे, और इसीलिए तुर्कों ने आसानी से हिंदुस्तान को जीत लिया। तो हम लोग पहले राजनीतिक विखंडन को समझेंगे, इस पर एक नोट्स लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, वैसे लिखिए द एंड ऑफ हर्षवर्धन्स एम्पायर, हर्षवर्धन्स एम्पायर marked the dividing line between ancient and medieval India. The pre-Muslim ruling period being known as early medieval period in Indian history. This was the transitional period between the ancient and medieval age,
एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड was decentralization and emergence of various Rajput states. हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंत को प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बीच का विभाजक काल माना जाता है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से पहले तक का समय भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मुस्लिम शासन की स्थापना के पहले तक का ये समय के पहले तक का ये समय के पहले तक का ये समय पूर्व मध्यकाल कहलाता है। पूर्व मध्यकाल की सबसे प्रमुख विशेषता राजनैतिक विखंडन और राजपूत राज्यों का उदय माना गया है। हेडिंग लिखिएगा एमर्जेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स। राजपूत राज्यों का उदय। राजपूत राज्यों का उदय।
देखिए, जो चीज़ आपके सामने लिखता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपके पेपर का। मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक में ये प्रश्न सीधे देखने को मिल सकता है। सीधे यही प्रश्न आ सकता है कि अग्निकुल के कुल कितने राजपूत राजवंश थे, तो चार। तो पूछेंगे कौन कौन से अग्निकुल के राजपूत कहलाए, तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इन पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन केवल यही चार राजपूत नहीं थे, और भी बहुत सारे राजपूत राज्य थे, लेकिन इनके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे। दरअसल जो पूर्व मध्यकाल का इतिहास है, प्री मेडिवल एज है, ये एक मामले में और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कास्ट की ग्रोथ हुई है, यानी बहुत सारी नई कास्ट जो आई हैं वो प्री मेडिवल एज में आई। ऐसी ऐसी जातियों का भारत में विकास हो गया जो पहले इसके नहीं थी अस्तित्व में, ये पूर्व मध्यकाल की देन माना जाता है। तो उन कास्टिज्म में, यानी केवल हिंदू एक समुदाय तो नहीं रह गया था, गुप्त काल में ही बहुत सारी जातियां बन गई थी। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा कि गुप्त काल में शूद्रों में भी कई वर्ग बन गए थे। एक वर्ग तो अनटचेबल कास्ट कहलाने लगी, उनको अनटचेबल कहा जाता था। ऐसे ही हिंदुओं में ना केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, बल्कि ब्राह्मणों की भी कई शाखाएं और क्षत्रियों की भी कई शाखाएं बन गई। क्षत्रियों में दो परंपरा आ गई थी। कुछ क्षत्रिय अपने आप को कहते थे कि हम लोगों की उत्पत्ति सूर्य के कुल से हुई है, इसलिए अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। और कुछ क्षत्रिय कहते थे हम लोगों की उत्पत्ति चंद्र से हुई है, चंद्रवंश से, इसलिए अपने आप को चंद्रवंशी कहते। ये दो परंपराएं क्षत्रियों में आ गई। ऐसे ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण होते चले गए, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई शुक्ला, कोई अलग अलग नाम से सब बनते चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में कास्टिज्म धीरे धीरे और बढ़ता गया। इसी दौर में एक नई कास्ट समाज में दिखाई दी जिनको एक कॉमन नाम दिया गया, राजपूत। और राजपूतों को लेकर आज भी बहुत सारे विवाद भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजपूत कोई नई जाति नहीं थी, ये प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि नहीं, ये प्राचीन क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि ये लोअर कास्ट के लोग थे जिनको क्षत्रिय बनाया गया था, इसलिए राजपूत कहलाए। अच्छा, कुछ कहते हैं कि नहीं, जो विदेशी जातियां भारत में आकर बस गई थीं, जब वो विदेशी जातियां भारत के हिंदू समाज में मिल गईं, तो उनको कहीं तो फिट करना था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौन है, तो उनको एक नई कास्ट का नाम दे दिया गया, राजपूत। जैसे राजपूतों का इतिहास लिखा है एक राइटर ने, उनका नाम है कर्नल टॉड। वो कहते हैं राजपूत बेसिकली भारतीय समाज में जो विदेशी जातियां थी। अच्छा, विदेशी जातियां कौन? तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भारत में शक आए थे, कुषाण आए थे, हूण आए थे, ये सब भारत में आकर के बस गए थे, यहीं के कल्चर में ढल गए। जैसे आप कुषाणों में पढ़ते हैं कनिष्क एक महान राजा हुआ, तो अब जरा आपसे पूछूं बताइए कनिष्क की कास्ट क्या थी, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मूलतः वो लोग तो विदेशी थे, वहाँ कास्ट जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। अब भारत में आए तो इनको एक कास्ट में फिट किया गया, और वही कास्ट आगे चलकर ये कह रहे हैं राजपूत कहलाए। इस पर जो सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है, यानी जो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज है, उसी का नाम है अग्निकुल का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, जरा इसको आप समझिए। दरअसल ये अग्निकुल की जो बात की गई है, ये एक बुक में लिखा हुआ, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये एक इपिक है, एक महाकाव्य लिखा गया है, और ये अपभ्रंश लैंग्वेज में लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा में ये लिखा गया एक महाकाव्य है, और शायद आप लोग जानते ही होंगे कि इसके आथर कौन है, रचनाकार चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, किसके राज कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई ने अपनी इस बुक में क्या लिखा है, वो कहते हैं कि भारत में जब म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, ये टर्म उन्होंने यूज किया। ये म्लेच्छों के आक्रमण की बात किसके लिए करते हैं, मुसलमानों के आक्रमण के लिए। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में
जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो भारत की संस्कृत पर खतरा पैदा हो गया, कल्चर पर एक अटैक था, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे विदेशी आए, विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन उनके आक्रमण का प्योर मोटिव होता था पॉलिटिकल, यानी राजनैतिक रूप से राज्य प्राप्त करना या धन लूटना। लेकिन इनका आक्रमण केवल पॉलिटिकल नहीं होता था, इनका आक्रमण कल्चरली भी होता था, यानी ये अगर हिंदुस्तान में आए तो यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश भी करते रहे। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है, चाहे डेरियस का आक्रमण हुआ, चाहे सेल्युकस आया, चाहे अलेक्जेंडर आया, या और भी बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, वो या तो इंडियन कल्चर को खुद अडाप्ट करके यहीं बस गए, और या फिर वो यहाँ से कुछ सीख करके वापस चले गए, लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि यहाँ के हिंदू समाज को वो अपने कल्चर में ढाल लें। जैसे कनिष्क के बारे में आप पढ़ते हैं तो कनिष्क ने हिंदुस्तान में जो सत्ता बनाई वो खुद यहाँ के कल्चर में ढल गया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, या इंडो ग्रीक राजाओं ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, ऐसा आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आक्रमणकारी थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, या महमूद गजनवी आया, या मोहम्मद गौरी आए, इन्होंने कभी भी इंडियन कल्चर को एडमायर नहीं किया, ये कभी भी यहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए, ये कोशिश करते रहे कि यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया जाए, ना कि यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अरबों के आक्रमण का भारत पर खतरा पैदा हुआ तो ये खतरा हो गया कि भारत में इस्लाम का प्रसार किया जाएगा, यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया जाएगा, तो अब इनसे मुकाबला करने के लिए योद्धाओं की जरूरत थी। अच्छा, हिंदू धर्मशास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठा सकता, ब्राह्मणों को शस्त्र उठाने का अधिकार हमारा धर्मशास्त्र नहीं देता था, क्योंकि ये पहले से नियम बने हुए थे वैदिक परंपराएं कि ब्राह्मण का काम है पढ़ाना लिखाना, उनका मेन पेशा यही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कहा गया कि जो शूद्र हैं ये सेवक हैं, ये भी कभी भी शस्त्र नहीं उठा सकते, और वैश्य का काम है व्यापार को बढ़ावा देना, खेती बाड़ी करना, बिजनेस प्रोफेशन पर काम करना। तो बचे लड़ने के लिए कौन? केवल क्षत्रिय, यानी क्षत्रियों को यहाँ पर योद्धा बताया गया, और इन्हीं को धर्म संस्कृत के रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इस देश में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं और विदेशियों का हमला होने जा रहा है वो 20 हैं, तो हम 100 हैं वो 20 ही हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम 104 खंडों में बटे हैं, उसमें से बड़ा वर्ग शूद्रों का था, लगभग अकेले 50% यही थे, और ये शस्त्र उठा नहीं सकते हैं, ब्राह्मण उठाएंगे नहीं, वैश्य उठाएंगे नहीं, तो लड़ने की जिम्मेदारी केवल क्षत्रियों पर। अब 100 होते हुए भी केवल 10 लोग ही आगे लड़ने के लिए जा सकते हैं, ये धर्मशास्त्र के नियम है। तो ऐसे में भारत की धर्म संस्कृति को एक खतरा पैदा हो गया। तो उस समय जो ब्राह्मणों के पुरोहित थे उनका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने इस पर एक रास्ता निकाला, इन्होंने एक नया नियम बनाया, इन्होंने कहा कि जब धर्म संस्कृत पर हमला हो, हमारे कल्चर पर हमला हो, ब्राह्मण धर्म पर हमला हो, तो मुसीबत के वक्त यहां पर अन्य जातियां भी शस्त्र उठा सकती, क्योंकि यह धर्म की रक्षा का सवाल है, धर्म बचेगा तभी बाकी समुदाय बचेंगे, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए सभी वर्ण के लोग शस्त्र उठा सकते हैं। लेकिन शस्त्र उठाने से पहले उन्हें एक अग्निकुंड के सामने बैठाकर दीक्षा दी जाएगी और उन्हें क्षत्रिय बनाया जाएगा। तो एक अग्निकुंड बनाया गया, वहाँ हवन किया गया, पूजा पाठ किया गया, उनको दीक्षा पहनाई गई और उन्हें घोषित कर दिया गया अब ये क्षत्रिय हैं और ये कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे अन्य वर्णों के लोग, अन्य जातियों के लोग, जिनको अग्निकुंड के माध्यम से क्षत्रिय बना दिया गया, वही क्षत्रिय समाज में घुल मिल गए और वही कहलाए राजपूत। इसी को नाम दिया गया है अग्निकुल का सिद्धांत। तो इससे कहते चार योद्धा पैदा हुए और इनके चार अलग अलग कुल बने और उससे फिर अन्य कुलों का जन्म होता चला गया और क्षत्रियों की कई जातियां बन गई। ये कुल मिलाकर के एक ही चीज दिखाता है कि भारतीय समाज में बहुत सारे अन्य जातियों का समावेश हुआ। जैसे आज भी आप सोचिए
कि कोई धर्म परिवर्तन करता है, मान लीजिए कोई मुस्लिम है, अब उसको हिंदू बनाना है तो लोग क्या करते हैं, उसे हवन कुंड के पास बैठाएंगे, कुछ कर्मकांड करेंगे, दीक्षा पहनाएंगे और कहेंगे लो इसका शुद्धिकरण हो गया, अब ये शुद्ध हो गया और ये बन गया हिंदू। तो वही परंपरा हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। इस तरह से कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक नए वर्ग का उदय हुआ और इनको कहा गया राजपूत। तो इनके बारे में लिखिए द टर्म राजपूत डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र believe that they were descendants of heirs या descendants आप लिख सकते हैं, they were descendants of क्षत्रिय क्लैन KSH क्षत्रिय क्लैन emerged from a क्षत्रिय क्लैन CLAN क्लैन का मतलब होता है कुल, खानदान। क्षत्रिय क्लैन emerged from a sacrificial fire pit अग्निकुंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं, pit PIT fire pit ब्रैकेट में लिख लीजिए अग्निकुंड। these क्षत्रिय क्लैन were called Rajputs of Agnikul There were four clans of Rajputs belong to Agnikul. They were Gurjar Pratihar of Western India उनका पूरा नाम था Gurjar Pratihar, वैसे केवल प्रतिहार भी लिख सकते हैं लेकिन पूरा था Gurjar Pratihar। Gurjar एक कास्ट होती है। Gurjar Pratihar of Western India, Parmar of Malwa परमार ऑफ मालवा, चालुक्या ऑफ अन्हिलवाड़ गुजरात में एक जगह थी, ब्रैकेट में गुजरात लिख लीजिएगा, चालुक्या ऑफ अन्हिलवाड़। इन्हीं चालुक्यों को आज की डेट में वहां पर सोलंकी कहा जाता है, सोलंकी एक कास्ट होती है। फिर से सुनिए, पहला है चालुक्या ऑफ अन्हिलवाड़ एंड चौहान ऑफ साकंभरी
लिख दूं क्या? चौहान आप साकंभरी, चौहान आप साकंभरी, राजपूत शब्द की उत्पत्ति, राजपूत शब्द की उत्पत्ति, राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, राजपुत्र से हुई है, राजपुत्र से हुई है, हुई है, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि ये प्राचीन क्षत्रिय कुल के ही, कि ये प्राचीन क्षत्रिय कुल के ही राजवंशों से संबंधित थे, कि ये प्राचीन क्षत्रिय कुल के राजवंशों से ही संबंधित थे, क्षत्रिय कुल के राजवंशों से संबंधित थे, संबंधित थे, और इनकी उत्पत्ति, और इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति एक अग्नि कुंड से हुई थी, एक पवित्र अग्नि कुंड से हुई थी, एक पवित्र अग्नि कुंड से हुई थी। इसे राजपूतों की उत्पत्ति का, इसे राजपूतों की उत्पत्ति का, इसे राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत कहा जाता है, अग्निकुल सिद्धांत कहा जाता है, अग्निकुल सिद्धांत कहा जाता है, और अग्निकुल के कुल चार राजपूत राजवंश माने गए हैं, और अग्नि कुल के कुल चार राजपूत राजवंश माने गए हैं, अग्नि कुल के कुल चार राजपूत राजवंश माने गए हैं, अग्नि कुल के कुल चार राजपूत राजवंश माने गए हैं, माने गए हैं। पहला लिखिए, पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार, पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार, पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार दूसरा लिखे, मालवा के परमार, मालवा के परमार, मालवा उज्जैन को कहते हैं, मालवा के परमार, परमार। तीसरा लिखे, अनिलवाड़ के चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य, और शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान, के चौहान। यहाँ नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में नीचे एक पॉइंट लिखिए, लिखिए, दिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत, दिस अग्निकुल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत, दिस अग्निकुल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत, दिस अग्निकुल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत इज डिस्क्राइब्ड इन,
is described in a epic, in a epic, in a epic, Prithviraj Raso, in a epic, Prithviraj Raso, Prithviraj Raso, narrated by Chandra Bardai, narrated by Chandra Bardai, Chandra Bardai, a court poet of Prithviraj Chauhan, a court poet of Prithviraj Chauhan, court poet of Prithviraj Chauhan, Rajputon ke utpatti ka, Rajputon ke utpatti ka, Rajputon ke utpatti ka, राजपूतों के उत्पत्ति का अग्नि कुल का यह सिद्धांत, अग्नि कुल का यह सिद्धांत, अग्नि कुल का यह सिद्धांत, यह सिद्धांत राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के राजकवि, राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के राजकवि, राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के राजकवि, चौहान के राजकवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित, चंद्र बरदाई द्वारा रचित, चंद्र बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य, चंद्र बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य, रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में मिलता है, पृथ्वीराज रासो में मिलता है। हाँ देखिए, मूलतः क्षत्रिय तो हो गए जो पुरुष सूक्त में वर्णन है कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से जो जन्म लिए, तो ब्रह्मा जी की भुजाओं से जो धर्म रक्षा के लिए आए थे वो क्षत्रिय कहलाए। कर्मों के आधार पर समाज का विभाजन वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया क्षत्रिय कौन कहलाएगा, तो समाज के वो लोग जो धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। हाँ, अब ये तो फिर जातीय मामले में फिर बहुत आपको डेप्थ में जानना होगा, वो तो एक समस्या ही है। कहते हैं मूल जातियां तो भारत की शूद्र है, बाकी तो सब बाहर से आए और वैदिक परंपरा में यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय व्यवस्था बनी, नहीं तो पहले तो कोई जातीय व्यवस्था थी ही नहीं। तो ये तो वैदिक सिस्टम आया ना जिसमें कर्म के आधार पर जाति बना, पहले जाति नहीं बनी, पहले कर्म बना, कर्म से जाति का निर्धारण हुआ और बाद में बाई बर्थ डिटर्मिनेशन शुरू हो गया, तो उन्हीं के वंशज क्षत्रिय कहला रहे। ठीक, चलिए आप लोग फिलहाल पहले ही निकलने लगे।